नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया गया। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में रंगों बैंड बाजों के साथ एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर आपसी भाईचारे से ये त्योहार मनाया गया। छीटपुर घटनाओं में बेनीपुर निवासी 37 वर्षीय राजन कुमार की पुलिस गश्ती के दौरान खदेड़े जाने पर सीढ़ी चढ़कर भागने से बिजली के तार से टकराने पर करंट लगी और हाथ और मुंह में काफी चोटें आई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर पास के सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दरभंगा रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना में टीकापट्टी निवासी 22 वर्षीय दीपक कुमार की मोटरसाइकिल से गिरने पर चेहरे में चोटें आई, जहां पास के सीएससी में उनका इलाज कर घर वापस भेज दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज रंगों का त्योहार होली देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में यह त्योहार रंग गुलाल और बैंड बाजे के साथ आपसी भाईचारे से मनाया गया। छीटपुट घटनाओं में 37 वर्षीय बेनीपुर निवासी राजन कुमार राउत पिता रामकांत राउत की पुलिस गश्ती के दौरान खदेड़े जाने पर भागते हुए छत पर बिजली के तार से टकराने पर करंट लगने से सर में और हाथ में काफी चोटें आई। अलीनगर चौक के स्थानीय लोगों ने उसे बिजली के तार से बचाकर पास के सीएससी में पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दरभंगा रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना में 22 वर्षीय दीपक कुमार पिता केदार भोगी देव टीकापट्टी निवासी की मोटरसाइकिल से गिरने पर मुंह में चोटें आईं, जिनको सीएससी में उपचार कर घर भेज दिया गया। अलीनगर से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। क्या नाम बताया? मोहम्मद असलम। हाँ, तो क्या घटना यहाँ पे घटी थी, कैसे कैसे क्या हुआ था? घटना ये घटी कि उधर से थाना आ रही थी, तीन लड़का थे, तीनों लड़का बेनीपुर से कहीं ससुराल जा रहे थे। वो मिठाई लेने के लिए मिठाई दुकान पर रुके तो
उसके बाद मिठाई लेने लगे तो पुलिस वाले ने दो लड़का को पकड़ लिया जी। उसको मारने होने लगा तो ये अपना जान बचाने के लिए भागा ऊपर। भागने के ऊपर ये कोना पे आ गया जहाँ पे 11,000 की तार है। अच्छा, वो 11,000 की तार के लपेटे में वो आ गया लड़का। अच्छा, उसके बाद नीचे से एक बूढ़ी देख ली उसको, हमको बुलाई, हम दौड़ करके गए। नीचे से पुलिस देख ली? नहीं नहीं, पूरी लड़की एक औरत देख ली। अच्छा अच्छा, हम दौड़ के गए। हाँ, दौड़ के गए तो देखे ये पूरा उसके लपेट में आ चुका था। अच्छा, किसी तरह से हम उसको बचा दिए। उसके बाद नीचे दिगंबर और ब्रह्मदेव ये लोग ऊपर सब गए, उनको उठा के नीचे लाए और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाए। अच्छा, वो लड़का था कहाँ का? बेनीपुर का रहने वाला। अच्छा, तो वो लोग छत पे बैठा हुआ था पहले? नहीं नहीं, नीचे से भागा था वो पुलिस को देख के। जी जी। अच्छा, पुलिस ने दौड़ाया था किस लिए? वो गाड़ी लगा के रोड पे खड़ा था। अच्छा, बीच रोड पे गाड़ी लगाया हुआ था, इसलिए दो लड़का को मारने लगा था, ये डर से जान बचाने के लिए भागा। हाँ, इसी दौरान उसको करंट लग गया। अच्छा, करंट लगा तो बहुत ज्यादा है उसको नुकसान पहुंचा? बहुत ज्यादा है, सर में दो जगह छेद हो गया रोड से। अच्छा, और पीछे पोखरा के हिस्सा में जो जल गया है। अच्छा अच्छा, तो अलीनगर CHC में उसको ले जाया गया था? हाँ, ले गया, वहाँ से रेफर DMCH कर दिया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये आपने उसको बचाया था? जी जी। अच्छा अच्छा, और वो जान बच जाएगी नहीं उसकी? हाँ, बच जाएगी। और कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ADB News 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7 और हमारे इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पे फॉलो कीजिए।